पेशेंस, दूसरों की बात सुनना, बड़ों का मान सम्मान करना, भगवान को मानना और समाज की सेवा करना। ये 5 थंब रूल है जो मेरे हिसाब से कोई भी इंसान अगर मानता है, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे सर्विस क्लास में हो, तो सक्सेस कोई रोक नहीं सकता उसकी। मैं पार्टनरशिप के खिलाफ हूँ। कई लोगों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी निपटी भी है। वो रेशियो देखेगी तो वो रेशियो शायद 1% से भी कम है। फैमिली बिजनेस में अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट डे वर्क पूरा होना चाहिए कि किसकी क्या क्या परसेंटेज है पार्टनरशिप की। हाँ, गांव के लिए बिल्कुल करना चाहिए, मैंने बहुत सोचा भी और मैं करता भी हूँ। अगर आप एक पेड़ लगा नहीं सकते तो आप काटने का उखाड़ने का भी हक नहीं है। देखिए, पहली बात तो जो आपने सक्सेसफुल बिजनेसमैन वर्ड यूज़ किया, कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं एक संतुष्ट बिजनेसमैन जरूर हूँ। पहली चीज़ मैंने वो काउंट करी कि मुझे मिलेगा क्या। दूसरा, मैं ये काउंट करता हूँ कि इसको करने से मैं खोऊंगा क्या। तो दोनों को कंपैरिजन कर लो, इन और आउट। इन आउट में जोन सी चीज़ ज़्यादा हो उसको आप अडॉप्ट कर लो। सक्सेसफुल वही है जो संतुष्ट हो जाए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई मतलब मैजिक नहीं है कि जिसको करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या आप भी बिजनेस में बार बार फेल हो रहे हैं? आप चूज नहीं कर पा रहे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप बिजनेस पे ध्यान देते हैं तो फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाते, अगर फैमिली पे ध्यान देते हैं तो बिजनेस में फोकस नहीं कर पाते। तो आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आपको इस इंटरव्यू में देने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, साथ ही साथ एकल भारत के डायरेक्टर हैं, इसी के साथ वो एकल ग्राम उत्थान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सृष्टि। आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आपके पास सवालों की जो है वो बौछार होने वाली है। हमारे साथ एक नहीं दो दो एंकर मौजूद हैं, स्टूडियो में सौम्या अग्रवाल भी हैं जो आपसे सवाल करेंगी, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि जो लोग बार बार बिजनेस में फेल हो रहे हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी वो 5 ऐसी चीजें हैं जिन पर फोकस करना चाहिए? तो किसी भी बिजनेसमैन को, या किसी कोई खाली बिजनेस ही नहीं, सिर्फ अगर नौकरी में भी आपको, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आपको सक्सेस होना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नेचर का थंब रूल है कि जो दोगे वो आपको मिलेगा। तो आप एक तो ईमानदार बनिए, जो आपने कहा है उसको करिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, पर मन में ये होना चाहिए कि मैं करूँगा। और अपनी लाइफ के अंदर किसी एक इंसान को अपना गुरु बना के चलिए। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो, फॉर एग्जांपल कि आज 3 रोटी की भूख है, और जिसको आपने गुरु माना वो कह रहा है कि नहीं, आज 2-3 नहीं, 1 ही रोटी खानी है। तो आपको लगेगा कि जब सामने 3 है, मैं खा सकता हूँ तो क्यों नहीं खाऊं। लेकिन उसके अपने लॉजिक है। तो जिसको आपने गुरु माना है उसकी बातों को आप मानिए, किसी के साथ छल कपट मत कीजिए। तो ये कुछ थंब रूल है। और आज के युवा जो है बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, सबको शॉर्ट टर्म इनकम चाहिए, शॉर्ट टर्म बहुत दौलत शोहरत चाहिए। शॉर्ट टर्म जैसी चीज़ इस पृथ्वी पे कुछ है ही नहीं। हर चीज़ को आप बीज बोओगे तो उसको पेड़ बनने में, पौधा बनने में, फल बनने में, हर एक चीज़ का पृथ्वी ने एक सेट पैटर्न है कि आम का पेड़ जो है वो इतने टाइम में फल देगा, केले का इतने टाइम में देगा, पपीते का इतने टाइम में देगा। तो आपकी भी प्रवृत्ति जो है नेचर ने बना रखी है। आपको समय लगेगा, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप फैमिली जो है आपकी वो बिजनेस क्लास है, सर्विस क्लास है, किस इंडस्ट्री से आप आते हो, आपने चेंज करा है, तो समय आपको लगेगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, दूसरों की बात सुनना, बड़ों का मान सम्मान करना, भगवान को मानना और समाज की सेवा करना। ये 5 थंब रूल है जो मेरे हिसाब से कोई भी इंसान अगर मानता है, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे सर्विस क्लास में हो, तो सक्सेस कोई रोक नहीं सकता उसके। तो क्या आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनका मोस्टली आप देखते हैं कि यंग पीपल आर दी वंस जो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस अपना, तो क्या आपको लगता है कि उनका फेल होने का एक मेन रीज़न यही है कि उनके में पेशेंस नहीं है? हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि उनमें पेशेंस नहीं है। उनको लगता है कि बस मैंने आज शुरू किया है और मेरे को अगले साल 6 महीने के अंदर रिजल्ट्स आ जाएगी और मैं इतना पैसा कमा लूँगा कि मैं कल ही मर्सिडीज़ ले आऊँगा। वो लोग ये नहीं सोचते कि जो लोग आज मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं वो रातों रात अमीर नहीं बने हैं। उन्होंने जो है बहुत कुछ खोया है, बहुत स्ट्रगल किया है, तब वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हम सीधा उनका जो टॉप है, टॉप पॉइंट है वो देखते हैं,
लेकिन उनकी जर्नी नहीं देखते हम लोग। बिल्कुल, इसी के साथ मैं एक सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी, जो कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए? देखिए, सभी बिजनेस जो है अच्छे होते हैं, कोई भी बिजनेस घाटे का नहीं होता। अगर आपकी लगन और नेक नियत है तो आप किसी बिजनेस में फेल नहीं हो सकते। बाकी मैं सनातन धर्मी हूँ, सनातन को बहुत मानता हूँ, तो मैं जो हमारा हिंदुस्तान का जो विज्ञान था, जिसको आप एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं आज की डेट में, मैं उसमें काफ़ी बिलीव करता हूँ। तो मैं अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही शुरू करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपको लोहे का काम आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको सूट नहीं करेगा, तो आप करेंगे तो ऑफकोर्स आपको नुकसान ही होगा। बिजनेस का नाम लेते ही मन में पार्टनरशिप ज़रूर आ जाता है, तो क्या बिजनेस में पार्टनरशिप ज़रूरी है या फिर नहीं? मैं पार्टनरशिप के खिलाफ हूँ। कई लोगों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी निपटी भी है, लेकिन अगर आप वो रेशो देखेंगे तो वो रेशो शायद 1% से भी कम है जिनकी बहुत लंबी निपटी है। नहीं तो जनरली जो है किसी की 2 साल, किसी की 5 साल, 10 साल में ब्रेकअप होता ही होता है। तो पार्टनरशिप के मैं फेवर में नहीं रहता हूँ। आपको क्या लगता है उसका खास वजह क्या है ब्रेकअप होने का? क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसमें तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए ना, तो आपको क्या लगता है उसका रीज़न क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले जैसे आपको बताया कि हम सब लोग महत्वाकांक्षी हैं। जो महत्वाकांक्षा होती है वही हमारे जो है दुखों का कारण है। जब दो पार्टनर काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं नेचुरल सी बात है, हर दोनों की फैमिली के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होंगे। किसी के घर में कोई बीमार हो गया, कोई शादी आ गई, कहीं घूमने चला गया, तो जब कमाई आती है तो ऐसा लगता है कि यार मैं टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, मेरे एफर्ट से कमाई आ रही है, ये तो कुछ कर नहीं रहा। चलिए, बाहर से पार्टनरशिप नहीं करते क्या, घर में भाई के साथ या फिर किसी अपने के साथ पार्टनरशिप कर सकते? क्योंकि ऐसा फैमिली बिजनेस में भी डिस्प्यूट ज़्यादा रहता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पार्टनरशिप ना करें। फैमिली बिजनेस में आपका बहुत सही सवाल है, फैमिली बिजनेस में अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट डे पेपर वर्क पूरा होना चाहिए कि किसकी क्या क्या परसेंटेज है पार्टनरशिप की। ड्यूटी शुरू दिन से असाइन होनी चाहिए कि अगर सेल का डिपार्टमेंट छोटे भाई का है तो वही देखेगा, परचेज का डिपार्टमेंट बड़े भाई का है तो वही देखेगा, ऐसा जनरली होता है। तो उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल डिपार्टमेंट में दोनों एरिया बांट लो आप, छोटा भाई बड़ा भाई दोनों सेल देखें, इसी तरीके से दोनों भाई जो परचेज भी देखें। आप एरिया बांट सकते हो, कंपनीज़ के नाम बांट सकते हो कि इन दो कंपनी को मैं डील करूँगा, इन दो कंपनी को तू डील करेगा, और आपस में डेली उसको डिस्कस करें। और जो भी पार्टनरशिप की चीज़ें हैं वो घर तक ना जाए, जो आपका बिजनेस प्रेमिसेस है उसके अंदर ही चीज़ें रहे, घर तक जाएगी तो वो भी लंबी नहीं चलेगी। बिल्कुल, मैं मीडिया से हूँ और एंकर हूँ, आप अगर मैं अपने लिए बात करूँ तो मुझे कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए? आप ब्लॉगर बन सकते हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आप ब्लॉगर बन सकते हैं। जैसे मैं आपका फेसबुक का पेज देखता हूँ, इंस्टाग्राम का पेज देखता हूँ, तो आप अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं कि आज देश में कहाँ पर क्या स्पेशल घटना घटी उस पर आप काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर है जो इस चीज़ पे काम करता हो कि कहाँ पर क्या स्पेशल घटना घटी, तो उससे जो है आप थोड़े टाइम में एक अर्निंग शुरू हो सकती है आपकी। इन्हीं के सवाल से एक मिलता जुलता सवाल है, जैसे अभी मैं अगर सोच रही हूँ कि मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऐसे क्या फैक्टर्स, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो या ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, कि लाइक किससे मुझे ये पता चले कि दिस बिजनेस इज गुड फॉर मी, गवर्नमेंट से रिलेटेड, हाँ, कि कैसे स्कीम्स है गवर्नमेंट के ऐसे जो मुझे हेल्प कर सकता है वो नया बिजनेस फॉर्म करने में और उसमें सक्सेसफुल होने में? देखिए, गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो आपको फंडिंग देने में हेल्प कर सकती है। आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और उससे आपको क्या फ़ायदा होएगा, ऐसी गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं होती। गवर्नमेंट तो जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए फंडिंग देके ही सपोर्ट कर सकती है, या उन्होंने जो है आज ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ने खोल दी है और वोकल फॉर लोकल जैसी मुहिम गवर्नमेंट चला रही है, ताकि भाई जो कंज्यूमर है वो बाहर से सामान ना मंगा के लोकल वेंडर्स को, लोकल शॉपकीपर्स को, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को उनको प्रमोट करे। तो गवर्नमेंट तो इसी तरीके से आपको सपोर्ट दे सकती है, फाइनेंशियल और मोरल। ठीक है, बट मेरा मेन क्वेश्चन ये था पूछने का कि अगर मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं ये कैसे सेलेक्ट करूँ कि ये फील्ड मेरे लिए, जैसे आपने इनको सजेस्ट किया कि ये ब्लॉगर बन सकती है। देखिए, फील्ड जो भी है, हम लोग जो भी फील्ड चूज़ करते हैं, मैंने भी जो फील्ड चूज़ करी, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई 100 चीज़ थी उसमें से कोई पैटर्न है कि भाई इस तरीके से ये बिजनेस शुरू कर दूंगा तो प्रॉफिट आएगा
और सही चल पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आपके सराउंडिंग जो लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर होते हैं, कहीं ना कहीं से वो आपको गाइड करते हैं कि आजकल इसका बड़ा ट्रेंड है, ये बिज़नेस कर लो। अभी मेरे बेटे को जो है कॉलेज में किसी ने बताया कि आजकल टी शर्ट्स का बहुत ट्रेंड है, तो तू टी शर्ट की फैक्ट्री लगा ले, बहुत कम लागत में चालू हो जाती है। उसके पास उसकी जो फैमिली थी वो सर्विस क्लास फैमिली थी, तो उस पर फंडिंग इतनी नहीं थी, तो उसके पास छोटी फंडिंग थी, तो उसने उसमें टी शर्ट का काम शुरू किया। तो किसी ने बताया और उसने कर लिया, और करते के साथ उसको इनकम आनी शुरू हो गई। तो जो आपके सराउंडिंग पीपल होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही आपको बताते हैं कि ये ट्रेंड में चल रहा है, ये आप कर लो, तो लोग कर लेते हैं। और जिसका सक्सेस हो जाता है तो वो कहता है कि वाह मेरी किस्मत खुल गई। बिल्कुल, अगर अब मैं बात करूँ देश को लेकर, भारत को अभी किस दिशा में काम करना चाहिए सबसे ज़्यादा? हमें विकसित देश की तरफ हम चल पड़े हैं, ये सपना हमारे अंदर आ गया कि अब हम विकसित बनेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और भारत को जो काम करना है वो भारत काम कर रहा है कि इम्पोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, और स्वावलंबी बनना है, सेल्फ सस्टेन जिसको कहते हैं, उस पर भारत काम कर रहा है। और इसमें भारत सरकार और भारत की बहुत सारी जो संगठन है वो काम कर रहे हैं इस पर। और मैं समझता हूँ कि अगर भारत को बहुत जल्दी विकसित देश बनाना है तो हम सबको गांव की तरफ तो देखना पड़ेगा। सिर्फ शहर की तरफ अगर हम देखते रहेंगे और गांव से पलायन हो के लोग शहरों की तरफ आते रहेंगे तो शहरों का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। गाड़ी को आप स्पीड में एक लिमिट तक ही भगा सकते हैं, उससे ज़्यादा भगाएंगे तो गाड़ी का इंजन बोल जाएगा, आप खुद भी एक सीमित दायरे में ही भाग सकते हैं। तो शहरों को मैं समझता हूँ कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं शहर। दिल्ली की तो हालत ये है कि यहाँ पे हर वक्त AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स देखना पड़ता है, और ये सोचते हैं कि बिना सिगरेट पिए हमारे। तो आपने कभी सोचा कि गांव के लिए कुछ करना चाहिए? हाँ, गांव के लिए बिल्कुल करना चाहिए, मैंने बहुत सोचा भी और मैं करता भी हूँ। मैं इसीलिए एकल अभियान से जुड़ा कि मैं एक बारी इम्फाल वन यात्रा पे गया, उससे पहले मैं सिंपल एक डोनर था एकल में। मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि यार हम गाँव में स्कूल चलाते हैं और 20,000 रुपये उसकी साल की, उस समय में 20,000 होती थी, आज 22,000 है एक साल की। हम दिल्ली शहर के अंदर अपने बच्चों के लिए 22,000 रुपये शायद एक महीने की फ़ीस दे देते हैं एक बच्चे की, और वहाँ पर 22,000 रुपये में एक साल 20 से 30 बच्चे पढ़ते हैं, और जिनको सिर्फ एक ABCD क ख ग 1-2-3 की शिक्षा नहीं दी जाती, संस्कार की शिक्षा, माँ बाप की इज्जत करना, पूजा पाठ करना, योगा सिखाना, ये सब एक टीचर उनको 12 महीने 365 डेज उनको शिक्षित करती है। तो जब मैं एक डोनर के रूप में जुड़ा था, फिर एक बारी मेरे बड़े भैया है अखिल गुप्ता, उन्होंने मेरे को बोला इम्फाल एक वन यात्रा जा रही है। एकल का पैटर्न है कि जो डोनर होता है उसको दिखाने ले जाते हैं कि हम गांव में कैसे काम करते हैं, उसको वन यात्रा बोलते हैं। तो मैं इम्फाल वन यात्रा पर गया था। जब मैं वहाँ वन यात्रा पर गया तो मैंने वहाँ पर गाँव में मतलब ऐसे ऐसे गांव देखे जहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। अगर मैं अकेला चला जाऊँ नाम लेके तो मैं शायद मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा, साधन भी नहीं है। और वहाँ पे जो है वो बहनें जो है हमारे लिए रात को अपने अपने घर से एक एक सब्जी बना के लाई और बड़े प्रेम भाव से बिठा के पत्तल पे खिलाया। सिर्फ उनका सपना क्या है कि हाँ हम उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, नहीं तो वहाँ पर क्या है कि वो आतंकवादी बन जाएंगे, कोई ना कोई नक्सलवाद का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, या ऐसे ही मतलब पोषक खाना भी नहीं मिलता उनको, मानसिकता ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है। सिर्फ ये मानसिकता है कि ये 6-7 साल का हुआ चलने लगा तो कोई जाके अपने कूड़ा बिन लेगा, कोई रोजगारी कर लेगा, किसी खेत में नौकरी कर लेगा, 1,000-2,000 महीने के आगे। बिल्कुल वही मान। अभी आपने रोल मॉडल की बात की थी कि लाइफ में एक को गुरु मानकर चलना चाहिए तभी हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। जी, आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल मेरी वाइफ के मामा जी पदम जैन जी, मैंने उनको रोल मॉडल माना। और मेरे को जो है उठाने में कुछ बनाने में उन्हीं का हाथ है। आपने बात की उठाने और बनाने में, तो आप कुछ ऐसे अपने पर्सनल स्टोरीज अगर कुछ ऐसा शेयर करना चाहे हमारे व्यूअर्स के साथ, ताकि आपको ऐसा लगा हो कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है लेकिन फिर अचानक से आपने सब कुछ संभालते हुए कैसे संभाला, क्या स्टोरी था उसके पीछे? वो कहते हैं कि बोर्न विद अ गोल्डन स्पून। जी, मेरी जो मेरा बर्थ हुआ वो गोल्डन स्पून
के साथ हुआ, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे आए कि फादर को बिजनेस में लॉस हुआ। उस टाइम मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे बड़े भाई थे वो भी ऑल ऑफ सडन चले गए थे, तो मेरी शादी के 2 साल बाद ही पापा को लॉस लगा। और इतना लॉस था वो कि हम लोग सब कुछ हमारा सेल आउट हो गया था और एक तरीके से हम लोग सड़क पे आ गए थे। तो ये भी नहीं पता था कि बच्चों को सुबह की रोटी दे दी है, दोपहर की हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। हम दिल्ली छोड़ के भादुरगढ़ शिफ्ट हो गए कि वहाँ पे सस्ते किराए पे मकान मिल जाते हैं, जबकि मेरा बर्थ दिल्ली का ही है, तो फिर भी गए। उसके बाद बस ये विश्वास था, भगवान में विश्वास रखा, मैं राम नाम को बहुत मानता हूँ और मेरे को ये लगता है कि कोई ना कोई मेरा बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और मैं आज तक ये बिलीव करता हूँ कि राम जी मेरा हाथ पकड़ के मेरे को चलाते हैं। तो उसके बाद जो है कई सारे सर्कमस्टांसिस आए, इधर इंटरव्यू में सारी चीज़ें बता पाना बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, शायद पूरा दिन निकल जाएगा। वह इतना ही कहूँगा कि मेरा दृढ़ विश्वास था कि मैं निकल जाऊँगा। और मेरे को बहुत बारी ऐसा एहसास हुआ कि नेक नीति से मतलब है कि अगर किसी के भी प्रति, चाहे वो पशु है, पक्षी है, इंसान है, जिसमें जीव आत्मा है, पेड़ पौधे जो प्रकृति के रूप है, उनको किसी को भी आप दुख मत पहुँचाओ। अगर आप एक पेड़ लगा नहीं सकते तो आपको काटने का उखाड़ने का भी हक नहीं है। बिल्कुल, आपने अभी जितने भी सवालों के जवाब दिए उसमें आपने अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस किया, सोशल वर्क के बारे में बताया, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं आप, इस पर भी हमने बात की। इतना सब कुछ मैनेज आप कैसे करते हैं? देखिए, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो नहीं कहूंगा अपने आप को, हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस है बिजनेस में, तो बिजनेस भी देखना, फैमिली भी देखना, फॉरेन ट्रिप पर भी लगातार जाते रहते हैं, ऐसे में सोशल वर्क भी कर लेते हैं, इतना सारा टाइम आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? देखिए, पहली बात तो जो आपने सक्सेसफुल बिजनेसमैन वर्ड यूज किया, सक्सेसफुल की कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं एक संतुष्ट बिजनेसमैन जरूर हूँ। तो जैसे आपने बात किया टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो हाँ, ये माना आप एक सक्सेसफुल संतुष्ट बिजनेसमैन हैं, आप सोशल वर्क भी करते हैं, तो मल्टीटास्कर है बेसिकली, बट इसमें मुझे आप ये बताइए कि आपका फैमिली का कितना रोल रहा है? बिकॉज यू नो, लाइक अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, तो उसमें फैमिली का बहुत बड़ा रहता है। फैमिली का पूरा ही सपोर्ट रहता है, बिना फैमिली सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप टफ फेज से भी गुजरे जैसा आपने कहा, और आपने बोला कि आपकी शादी भी रिसेंटली हुई थी, उस वक्त 2-3 साल हुए थे, तो उस वक्त आपकी वाइफ का क्या रोल रहा, आपके फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा, उन्होंने कैसे आपको मोटिवेट किया? देखिए, मेरी वाइफ ने कभी भी मेरे से जो है कोई डिमांड नहीं करी, वो मेरे हर एक डिसीजन में मेरे साथ रहती थी, उसको मेरे पे विश्वास था कि ये जो करेंगे सही करेंगे, और मैंने भी कभी उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया, क्योंकि मैं कुछ भी अगर गलत करता था या कोई भी काम मैं करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि इस काम को करने से मुझे मिलेगा क्या। पहली चीज़ मैंने वो काउंट करी कि मुझे मिलेगा क्या, दूसरा मैं ये काउंट करता हूँ कि इसको करने से मैं खोऊंगा क्या। तो दोनों को कंपैरिजन कर लो, इन और आउट, इन आउट में जौन सी चीज़ ज़्यादा उसको आप अडॉप्ट कर लो, जौन सी कम उसको छोड़ दो, सिंपल फंडा है। तो मेरी फैमिली ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, इवन जब मैं सोशल वर्क में आया, एकल अभियान से जब मैं जुड़ा, तो मेरी वाइफ, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे दोनों बच्चों का पूरा सपोर्ट रहता है, और मेरी वाइफ भी एकल अभियान में एक एक्टिव रोल प्ले करती है, और मेरे बच्चे भी जहाँ जहाँ पे मैं उनको कोई भी काम बोलता हूँ एकल के लिए, तो वो मना नहीं करते, वो काम करते हैं। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ईजी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। आप जो सोने में टाइम बर्बाद कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 11 बजे पहले सो के उठता था, 10:30-11 बजे, जब मैं यहाँ पे जुड़ा एकल अभियान में, तो मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, सुबह 7 बजे से अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ और रात को 11 बजे तक मेरी वो चलती है। तो बहुत इजी चीज़ें होती है, आप डेली के काम अपने एक पैड पे लिखिए तो बहुत इजीली होते चले जाते हैं, लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो रहा है, हेल्दी रह रहे हैं, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने, मतलब मैंने आज के टाइम में 70% चीज़ें जो है एकल से सीखी है जी। अब जैसे ये जो एकल भारत चैनल शुरू किया, इसकी मुझे कोई समझ नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन लक्ष्मी सर का आदेश हुआ कि भाई अभियान के लिए प्रचार प्रसार का विभाग बनाना है, तो मैंने सारी चीज़ें देख देख के ही सीखी, और आज मेरे ख्याल से हम आप सब लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो सब चीज़ें हो जाती है, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो आपकी नज़र में सक्सेसफुल कौन है? सक्सेसफुल वही है जो संतुष्ट हो जाए।
आपका डेफिनेशन ही है कि आप हैं इन अ वे। हां, टाइम मैनेजमेंट पर बात करते हैं हम। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? देखिए, टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई मतलब मैजिक नहीं है कि जिसको करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है कि पहले मैं जब समाज सेवा नहीं करता था तो मैं 10-10, 11-11 बजे उठता था, क्योंकि बिजनेस को उतने टाइम की जरूरत नहीं है मेरे, क्योंकि मैंने सब बिजनेस को ऑटोमोट में डाल रखा है। अगर मैं 10 दिन भी अपने बिजनेस ऑफिस में नहीं जाऊं तो मेरा बिजनेस चलता रहेगा, मैं फ़ोन पे मैनेज कर लेता हूं। डेडिकेटेड स्टाफ है जो काम करेगा और वो रिपोर्टिंग करता है। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए, हाँ, मैंने जितनी भी चीज़ें करी अपने बिजनेस में सब दूसरों को देख देख के सीखी है। मेरे को गाड़ी का बहुत शौक था, फिर मैंने एक बारी एक रील देखी इंस्टाग्राम पे कि डेप्रिसिएशन की कोई भी चीज़ लेना अच्छे बिजनेसमैन की निशानी नहीं होती, क्योंकि वो 3 साल या 5 साल में डेप्रिशिएट होके जीरो हो जाएगी, फिर आपको ख़रीदनी है। तो मैंने एक थंब रूल बनाया, हाँ बात तो ठीक है, तो अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है उतनी लेके चलो। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें सोशल मीडिया से, समाज के जो आपने कहा सक्सेसफुल जो लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या थंब रूल बनाए उनको नोटिस करता हूँ और उसको जो अच्छे लगते हैं उसको अपने अंदर अप्लाई कर देता हूँ। अभी आपने सनातन धर्म की बात की थी, अगर आज के सोशल मीडिया को हम देखें तो आज का जो हमारा यूथ है वो सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। आप देखें रील्स और ये सब, मतलब उन्हें लग रहा है कि नहीं हमारा धर्म है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वो ले रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या सच में बदलाव हो रहा है? देखिए, बदलाव तो हो रहा है कलयुग में। जैसे आपने सुने होंगे कई गाने कि लोग जो है धर्म को ज़्यादा मानेंगे, लेकिन एक गाना आपने सुना होगा कि राम राम कहने से कुछ नहीं होगा, राम जैसा बनना होगा। तो मैं तो यूथ से यही कहूँगा कि सिर्फ झंडा उठाने से कुछ नहीं होएगा, आपको कर्म करने होएंगे। क्योंकि हम थोड़ा सा मंदिर में जाके हमने सोचा कि हमने शिवजी जी पे जल चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया 10 रुपए का, तो उससे भगवान खुश हो गए और पता नहीं क्या चमत्कार होएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको नेचर को फॉलो करना पड़ेगा और नेचर के जो थंब रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। आप मौज मस्ती करो, सारे काम करो, लेकिन किसी भी जीव आत्मा का दिल मत दुखाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बस में भी खूब ट्रैवल किया है, रिक्शों में भी किया है। अगर मैं किसी, आप लेडीज़ लोगों के ऊपर कहूँगा कि अगर आपको एक लिपस्टिक ख़रीदनी हो, फाउंडेशन ख़रीदना हो, तो आप किसी भी आउटलेट पे जाके ये नहीं कहते कि भैया 1000 की नहीं 900 की लगा लो। कहते हो आप लोग बढ़िया से बढ़िया ब्रांड की चाहिए, जितने का होगा जी। जितने की MRP है, 10% डिस्काउंट की स्कीम चली हुई है, लेस हो जाएगा, दे के आ जाओगे जी। लेकिन वहीं जब आपको सब्जी वाले से सब्जी खरीदनी हो तो आप उसको जो है ना फ्री में धनिया लिए बिना, फ्री में मिर्च लिए बिना छोड़ते नहीं हो, वो आपको कोई भाव देते हैं, पागल है, इतने की थोड़ी ना है मंडी में, तो इतने की है आलू, तू इतने का दे रहा है, तो आप ये नहीं करते? कम लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। मेरी लाइफ का थंब रूल है, मैं अपने घर की, मैं कई बारी जो है सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेने जाता हूँ सुबह, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं कभी भी ये नहीं करता किसी भी रिक्शे वाले से मैंने, हाँ भैया कितने, 20 रुपये, कोई गुंजाइश है, ये ज़रूर पूछता हूँ, नहीं जी सही है, 20 रुपये दे के आ जाता हूँ, क्योंकि उसकी आस है, वो मेहनत करके आपसे पैसा ले रहा है। एक सब्जी वाला सुबह मंडी में जाके सब्जी लेके आता है आपके लिए, चाहे वो 20 का ला के अगर आपको 50 का भी बेच रहा है, ठीक है, परसेंटेज में देखोगे तो बहुत कमाई है, लेकिन कभी आपने उसको देखा कि वो गाड़ियों में दौड़ रहा हूँ, उसका परिवार दौड़ रहा हूँ, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूँ? नहीं। और एक्चुअली ये मैं फॉलो करती हूँ, जैसे आपने बोला कि फीमेल के लिए इन जनरल, बट मैं भी ये फॉलो करती हूँ। अगर मैं मॉल में नहीं बार्गेनिंग कर रही तो मैं किसी सब्जी वालों से या रिक्शा वालों से भी बार्गेनिंग नहीं करती, बट आई अग्री कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो ये करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये मेंटालिटी ऐसा सेट क्यों हुआ है? क्योंकि हम ये नहीं देखते कि हमने क्या कमाया, कैसे कमाया, हम ये देखते कि हम दूसरे से कैसे छीने। बिल्कुल। हम ये नहीं देखते कि यार उसकी भी तो भावनाएं जुड़ी है, वो भी तो घर से सुबह कमाने के लिए निकला है। अगर उसकी इतनी कमाई होती कि वो 10 की चीज़ ला के आपको 30-40 रुपए की बेच रहा है, तो वो तो 1 साल के अंदर जो है यहाँ पे रेडी लगा ही नहीं रहा होता, वो आज भी रेडी। हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने बारे में सोचते हैं ना कि सामने वाले के। हाँ, आपको क्या फर्क पड़ेगा, आप रोज कितने की 100 रुपए की सब्जी खाते होगे, महीने में 3000 की, आपने उससे जो है 3000 में से 200 रुपए कम करा भी लिए, आपकी जेब से क्या गया?
इतने की तो जब आप रेस्टोरेंट में रोटी खाने जाते हो तो वहाँ पे 200 रुपए की एक रोटी की कॉस्ट होती है और उसके ऊपर टैक्स अलग होता है। तब आप नहीं सोचते कि यार 40 रुपए किलो का आटा और ये 200 रुपए की एक रोटी बेच रहा है, एक किलो में कितनी रोटी बनेगी। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, बहुत अहम है हम सबके लिए, हमारा अधिकार है वोट करना, कर्तव्य बनता है देश के लिए, हमें वोट करना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वोट को लेकर कि आज का जो यूथ है वो वोट को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं है। लोग ये भी सोचते हैं कि भाई आज तो इलेक्शन है, घर में रहते हैं, छुट्टी है आराम से, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हमारे सबकी नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो वोट डालने जरूर जाए। हम लोग कहीं पर भी बैठ के यार इस नेता ने ये क्या किया, देख नाले भरे हुए हैं, बारिश हो गई, पानी की निकासी नहीं हो रही, इन गरीबों का हाल देखे, यहाँ पे भिखारी घूम रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, कूड़े के ढेर में आग लग गई, हम कभी ये नहीं देखते कि हमने क्या किया। हम सिर्फ एक वोट डाल के अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन ब्लेम गेम करना बड़ा आसान है और वो भागीदारी से पीछे भागना मुश्किल है, लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप वोट नहीं कर पाए? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं वोट डालने जरूर जाता हूँ और अपनी पूरी फैमिली को लेके जाता हूँ, वोट जरूर डाल के आता हूँ। क्योंकि अगर आप बात करें, एक 4 लोगों का परिवार, मदर फादर और 2 बच्चे, या 6 लोगों का परिवार कि मेरे मदर फादर हो गए, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे, हम 6 लोगों के अंदर भी, मैं ये आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी से हर कोई खुश नहीं होएगा। हो सकता है मेरा बड़ा बेटा कभी नाराज़ हो जाता हूँ, कभी मैं नाराज़ हो जाता हूँ कि जी आपने उसको ऐसे कर दिया, मेरे को नहीं करा। जब हम 6 लोगों के परिवार में मेरे पिताजी या मैं सबको खुश नहीं रख सकता, तो हम ये कैसे उम्मीद कर लेते हैं कि इस देश का नेता वो इतनी करोड़ों जनसंख्या को 100% खुश कर देगा। ये उसकी हिम्मत है उस नेता की, जो इतनी सब जनता को संभाल रहा है और इतनी भागदौड़ वो अपने परिवार और सबको पीछे छोड़ के करता है। हम बात कर रहे हैं वोटिंग की, और वोटिंग तो खैर आपने बोला कि सबको करना ज़रूरी है, लेकिन यूथ जो होता है आजकल, उनको लगता है कि उनके वोट से कोई असर नहीं पड़ना है बिकॉज कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। जैसे मेरा पहले भी लोगों से बात हुआ है तो उनको लगता है इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो कितने वोटों से गिरी थी? एक वोट से। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके वोट की अहमियत? लेकिन हाँ, उनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि मुझे वोट नहीं करना, मेरे वोट से क्या होगा। मैंने आपको बोला ना थोड़ी देर पहले कि जिम्मेवारी और जो नेचर ने सिस्टम बनाया है वो यही है कि आपको अपनी जिम्मेवारी तो निभानी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर आज के यूथ की मैं बात करूँ तो क्या लगता है आपको कि आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा गलती किस चीज़ में करता है? क्योंकि देखिए, आप उन्हें समझा नहीं सकते, एजुकेशन पॉलिसी भी आज बहुत बदल चुकी है, सब कुछ बहुत बदल गया है, तो ऐसे में उन्हें सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना चाहिए? कंसिडरिंग योर पर्सनल थॉट, बिकॉज आपके भी 2 बेटे हैं। हाँ, तो देखिए, मुझे लगता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पेशेंस से काम करना चाहिए, और जो बड़े हैं, चाहे वो आपके मदर फादर है, चाहे रिलेटिव है, चाहे आपके बिजनेस के अंदर जो आपके पापा के टाइम पे कोई एम्प्लॉई है जो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपको उनको सुनना चाहिए और उनको एक कहते हैं ना कि भाई हाँ मैं ये बड़े हैं तो इनको अपना वो मान के रोल मॉडल मान के उनकी बात को फॉलो करना चाहिए। एटलीस्ट तब तक तो करो जब तक आप खुद से डिसीजन मेकर नहीं बन जाओ। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए यूथ को, और पेशेंस रख के बड़ों की बात माननी चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन है, आपने बोला पेशेंस रख के बड़ों की बात माननी चाहिए, बट मुझे लगता है कि यूथ आजकल इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है ना, कि अगर आप मुझे आके मेरे काम के बारे में कुछ बोलेंगे तो मैं उसको पॉजिटिवली नहीं लूँगी, रादर आई विल टेक इट नेगेटिवली कि ये जो आके बोल रहे हैं हमेशा मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे डिसीजंस पे मेरा साथ नहीं रहते हैं। तो आपको क्या लगता है ये एक तरीके से अच्छा है उनके लिए कि वो खुद से ही कुछ सोच के डिसीजन मेकिंग के काबिल है, या वो बुरा एस्पेक्ट है? नहीं, अच्छा है वो। देखिए, कहीं ना ऐसा नहीं है कि हर जगह बच्चे ही गलत हैं, हम बड़े भी गलत होते हैं, कि हम ये नहीं सोचते कि भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ हम एक भावना में चलते हैं, मैं बड़ा हूँ मेरी बात सुन, तेरे को ज़्यादा समझ है, तो कल का आया है, तेरे को क्या पता कैसे पैसे मांगते हैं, कैसे माल बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं। ऐसा नहीं है, समय बदल रहा है, बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जहाँ पर अगर बड़े कोई जैसे मेरा क्या थंब रूल है, जब मेरा बेटा मुझे कोई बात कहता है तो मैं मतलब आराम से उसकी पहले पूरी बात होने देता हूँ,
फिर जहाँ वो गलत लगता है मैं उसे कहता हूँ कि हेल्दी डिबेट करो, कि तू मेरी बात सुन, अब हेल्दी डिबेट करते हैं कि जहाँ तू गलत है तू अपने आप को करेक्शन कर, जहाँ मैं गलत हूँ मैं करेक्शन करूँगा, मतलब रिजेक्ट नहीं होना है। आई थिंक ये प्रैक्टिस मोस्टली सब घर वालों को अपनाना चाहिए, बिकॉज उनको लगता है अगर हम आर्ग्यू कर रहे हैं तो तुम डिबेट करियो, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ज्यादा जो हमारा यूथ है हम खुद भी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, रील्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप रील्स देखते देखते कैसे 2-3 घंटे निकल जाते पता नहीं चलता। तो आपको क्या लगता है कि सच में ऐसा है कि लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया को लेकर, आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल ऐसा है, उससे अच्छी चीजें भी मिलती हैं और बुरी चीजें भी मिलती है। मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया पे मतलब अफवाहें ज्यादा फैलाई जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे जो है ना मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, उसे ये नहीं पता होता कि भाई इससे क्या इम्पैक्ट आएगा देश पे। तो एडिटिंग करके, एडिटिंग की आजकल ऐसे ऐसे टूल आ गए हैं पता ही नहीं लगता कि असली है नकली है, AI डीपफेक डीपफेक। हाँ तो सोशल मीडिया जो है अच्छा भी है तो उतना ही बड़ा ये परमाणु बम का भी काम कर रहा है। बट सर आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया से भी लोग पैसे कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं? कितने लोग कितने लोग है लाइक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर्स? पैसा तो आप हर चीज से कमा लोगे, लेकिन अगर आप अच्छा कंटेंट दो तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अच्छा कंटेंट क्या है, बुरा कंटेंट क्या है, किसमें इन्वेस्ट करना है? देखिए आप फिर वही वाली बात आती है, आपने थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा कि आप सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेते हैं। अब या तो जो मेरा टाइम है वो मैं नेचर को देना शुरू कर दूं, या एक बंद कमरे में रीलों को अंगूठा चला चला के देखता रहूं, ठीक है, उससे मुझे मिल क्या रहा है, मुझे ये समझना है कि मेरी आँखें खराब हो रही है, ठीक है, मेरा जो दिमाग काम करना है वो सुन हो गया है। अगर मैं बाहर जाऊंगा लाइक मंडी लोगों में बैठूंगा तो मेरा दायरा बढ़ेगा, लोगों से 10 तरीके की चीज़ें सुनने को मिलती है। मैंने अपनी लाइफ में जितना कुछ भी सीखा है वो लोगों में समाज में जाके ही सीखा। तो आप ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं रखते? मैं रखता हूँ बिलीव, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ देखो 100% ना गलत होती ना सही होती। कोई भी चीज़ अगर आप अति से ज़्यादा करोगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मैं उस थंब रूल में बिलीव करता हूँ और मैं अपनी लाइफ चलाता भी उसी थंब रूल में हूँ। जो शौक है वो हर चीज़ का अच्छा है और लत हर चीज़ की बुरी है, ये मेरा थंब रूल है, ये मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ कि करो, आपने मूवी देखनी है जाओ, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हर सैटरडे को मूवी जाना ही जाना चाहे कुछ भी काम छूट जाए, तो वो गलत है। कोल्ड ड्रिंक पीनी है पियो ना, लिमिट में पियो। कई लोग जो है खाने के साथ आजकल जो है कोल्ड ड्रिंक पीने का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके साइड इफेक्ट नहीं देखते। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप सोशल मीडिया कह रहे हो, सोशल मीडिया में कहीं पर ये तो नहीं पता लोगों को इसके नुकसान क्या है, बट टाइम पास बढ़िया हो रहा है, ठीक है, आँखों को दिमाग को जिसको देख के सुकून मिलता है उस पर हाथ रुक जाता है, बाकी चलता रहता है। जब आप एक बर्गर खरीदने जाते हैं आप उससे पूछते हैं कि भैया इस बर्गर का साइड इफेक्ट क्या है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी तो कभी पूछा कि इसका साइड इफेक्ट क्या है? ना पूछा ना पड़ा, ना पड़ा। लेकिन जब आप डॉक्टर पे जाते हो कि मेरे फीवर हो गया है और जो डॉक्टर दवाई लिखता है तो आप ये जरूर पूछते हो कि डॉक्टर साहब इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इस दवाई का, पूछते हो या नहीं? तो जिसका पूछना चाहिए था उसका तो आपने पूछा नहीं। बिल्कुल, और जो एक्सपीरियंस इंसान दे रहा है उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन कर रहे हो आप जी। सवालों का सिलसिला हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बहुत कुछ आपसे हमें जानने को मिला और हमारे दर्शकों को ये पता चला कि अगर वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में चाहे हम किसी भी धर्म पंथ के हो, हम लोग जब जाते हैं अंत समय में तो हमारे साथ क्या जाता है ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे कर्म चली चलेगी कर्म, और जो आपके साथ जाएगी, कहते हैं ना कि पैसे जेब में रख के नहीं ले जाओगे, गोल्ड जेब में रख के नहीं जाओगे। अच्छा काम किया वही वो तो ठीक है चला गया, काइंड में चला गया, ऐसी क्या चीज है जो हार्ट आपके साथ जाएगी? सिर्फ आपकी बॉडी। बॉडी तो जल गई राख बन गई। लकड़ी, लकड़ी जो है वो आपके साथ जाएगी। 100 क्विंटल 150 क्विंटल लकड़ी जिसपे आपको जलाया जाएगा वो आपके साथ जाएगी। तो मेरी सभी लोगों से ये विनम्र हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप एक पेड़ अपने लिए जो आपके साथ जाना है, आम का पेड़, जामुन का पेड़, पीपल का पेड़, कोई भी एक पेड़ जो आपके साथ हकीकत में जाना है उसको जरूर लगाएं और सबको प्रेरित करें कि एक पेड़ जो आपके साथ जाएगा उसको लगाएं। हम बात कर रहे थे फैमिली की, तो इस पे मेरा ये सवाल है कि
जैसे आप मल्टीटास्क करें जैसे मैंने बोला, लेकिन आप एक बहुत अच्छे पेरेंट भी है, आपके बेटे अब काम कर रहे हैं, कोई पढ़ता है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि हेल्दी पेरेंटिंग क्या होता है? पहली बात तो आपको किसने बताया कि मैं अच्छा पेरेंट हूँ? सर एग्जांपल बताता है, देख के पता चलता है, पता चल रहा है आप जिस तरीके से आप हाँ उसमें सब में उनके आपके बेटों का उसमें मेंशन्ड है आपके, उसमें तो वो पता चलता है। बेसिकली क्या है कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि अगर कोई भी बात होती है तो मेरे को ये लगता है कि भाई बच्चों से ना बात करें, हम बात करने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमेशा बच्चे गलत नहीं होते, पेरेंट्स भी गलत होते हैं और मैक्सिमम पेरेंट्स ही गलत होते हैं, क्योंकि हमको ये होता है कि तो बच्चा है तेरे को कुछ आता नहीं है, लेकिन टाइम बदल रहा है। पहले जनरेशन गैप होता था कि भाई मेरे पापा और मेरी, अब तो दो दो साल के बच्चों में जनरेशन गैप आ रहा है, तो मैं बच्चों की बात सुनता हूँ, उनको जो करना है उन्हें एक बारी को करने देता हूँ, फिर उनको उसके प्लस और माइनस बताता हूँ, आप ट्राई एंड टेस्ट, हाँ, और उनके ऊपर छोड़ देता हूँ, उनको ही बता देता हूँ कि भाई इस चीज़ में ये चीज़ें गलत है। अब जैसे बच्चे कॉलेज जाने लगे जब मेरे, तो मेरे को डरता कि ये सिगरेट वगैरह पीना ना सीख ले, तो मैंने बच्चों को यही कहा कि भाई देखो 18 साल की उम्र तक कुछ मत खाना पीना, क्योंकि तुम्हारे ऑर्गेन डेवलप हो रहे हैं, अगर तुम सिगरेट पियोगे, अल्कोहल लोगे, तो तुम्हारे ऑर्गेन पे तुम्हारे असर पड़ेगा। तो बच्चों ने वो मानी। उसके बाद जब बच्चे कॉलेज जाने लगे तो मैंने कहा बेटा देखो सिगरेट पीना स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। जो लोग पीते हैं ना उससे इसके फ़ायदे पूछ लेना, अगर वो फ़ायदे बता पाए 10 में से अगर उन्होंने 5 फायदे बता दिए तो तेरे साथ मैं भी पीऊँगा जी। अगर उन्होंने फायदे नहीं बताए, आपने बात बताई, वो नुकसान बता रहे हैं, तो तुम खुद डिसाइड कर लेना कि तुम्हें पीनी है नहीं पीनी। तो मैं इस तरीके से करता हूँ कि भाई तुम्हें करना करो, लेकिन जो कर रहा है उसे पूछ लो पहले। तो ये जेनरेशन गैप आपने ओवरकम किया, आपने जेनरेशन गैप को बीच में नहीं आने दिया। हाँ। तो ऐसे कुछ एक दो टिप्स या कुछ ऐसे राय जो आप पेरेंट्स को देना चाहे कि वो ये जेनरेशन गैप को खत्म करे और अपने बच्चों के पेरेंट्स टाइम पे जब जरूरत है तब पेरेंट्स बने, जब जरूरत है तब दोस्त बने। मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगा कि आप समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, किसी को पता लग जाएगा, अच्छा नहीं लगता, इन सब चीज़ों में ना पड़े। मैं तो ये मानता हूँ कि हम चार दीवारी में जो लोग रह रहे हैं असली परिवार वही है, वही सुख दुख के साथी हैं और वही एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो अपने परिवार को जिस चीज़ में खुशी है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है चार दीवारी के लोगों की, वो काम करो, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो मत करो। बच्चों को ज़बरदस्ती रोकना बिल्कुल भी सही नहीं है, जो उन्होंने करना है वो तो करना ही है, आप उनको प्लस और माइनस बता सकते हो, उनको ये कह दो कि भाई जो कर रहे हो उनसे एग्जाम्पल ले लेना, समझ ले सही है तो करो, क्या दिक्कत है, हो सकता है हमारे समय में वो चीजें सही ना होती हो, आज सही है। मेरा बेटा छोटा वीडियो गेम खेलता था बहुत ज्यादा, मुझे लगता था कि ये अपना करियर खराब कर लेगा, तो मैंने उसकी छुड़वाई, पर ऐसा नहीं है। आज आप देखो कि मोदी जी ने जो है वीडियो गेम वाले बच्चों से मुलाकात करी, तो पता नहीं होता कि बच्चा कब किस चीज में आगे निकल जाए। तो इंटरव्यू से पहले आपके मन में जो भी सवाल होंगे, इस इंटरव्यू में आपको सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करके आप जरूर पूछिए, हम अगला वीडियो आपके उस सवाल में जरूर बनाएंगे। तब तक आप देखते रहिए एकल भारत। नमस्कार।